hello friends welcome to constance mind my, my name is deepak and today i am going to discuss a new phd admission notification from a good government university for all candidate there are 700 plus seats available and the last date of application is 12 october 22 and uh, there are some fellowship available for all student who has only pg degree so i request to all of you please watch the video till end and uh, आस्क यूर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से है एंड क्या क्या अपडेट है तो दोस्तों आप सभी को आना है पी यू सी एच डी डॉट ए सी डॉट इन ये वेबसाइट पर यह पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ठीक है एंड ये यू से अप्रूव्ड है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है आप इसका विकीपीडिया भी चेक कर लीजिएगा एंड आपको इस्क्रोल करना है नीचे सीधा और कहीं नहीं जाना है आपको नहीं तो आप नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप यहाँ पर न्यूज़ पर आइएगा बीस सितम्बर की न्यूज है पी का जो पी एच एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में तो आपको इस पर क्लिक कर देना है देन आप डिडायरेक्ट हो जाएंगे इस साइट पे पंजाब यूनिवर्सिटी की यहाँ पर आपको दिखा है दिख रहा होगा पी यू पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट दो हज़ार बाईस तो आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर यह लिंक दिया गया है पी आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर आप डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फिर प्रॉस्पेक्टस जैसे कि आपको करना क्या है फर्स्ट स्टेप में तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा आप पूरा रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे ठीक है रजिस्ट्रेशन आपको फिल करने के बाद फिर आप सेकेंड स्टेप में फ़ी पे करेंगे फ़ी पे करेंगे उसके बाद आप लॉग आउट हो चुके होंगे फिर आपको लॉग इन करना होगा आपके लॉगिन आई डी से उसके बाद जो है आपको सारी डिटेल्स अपलोड करनी होंगी ठीक है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ठीक है यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह वगैरह जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो तो डालनी पड़ेंगी तब आप जाके आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा यहाँ पर आप लास्ट डेट दे सकते हैं बारह अक्टूबर है एंड जो फी है उसका ऑनलाइन पेमेंट फोरटीन अक्टूबर तक हो जाएगा ठीक है यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर फिल अदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सेव एंड कन्फर्म करने की लास्ट डेट अलग है अक्टूबर सेवनटीन तक है आपको सारी चीज़ें अगर अच्छे से देखनी है तो आप प्रोस्पेक्टस को धीरे से डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है और उसी में सब कुछ दिया है अलग से कुछ नहीं देखना है इंपॉर्टेंट डेट वगैरह तो हम प्रोस्पेक्टस को देखते हैं तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जो हमने डाउनलोड किया है एंड यहाँ पर पी एच डी इंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड फाइव इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मतलब कि ये पाँच नवंबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और कैसे होगा उसके लिए आप बाद में देखें पहले यहाँ पर फी देख लीजिए ये दो हज़ार एक सौ पचहत्तर है जनरल कैटेगरी का एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए एक हज़ार अठासी रुपये फी है रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको बता ही दिया लास्ट डेट बारह दस है यहाँ पर सत्रह दस तक कम्प्लीट होगा एप्लीकेशन एंड आपका जो फाइनल डेट है बाई विच रोल नंबर विल बी अवेलेबल ऑनलाइन तो अट्ठाईस दस दो हज़ार बाईस तक हो जाएगा ये एंड कैंडिडेट हु हैव नॉट कम्पलीटेड दियर फॉर्म बट हैव पेड दियर रिक्वेस्टिंग फ़ी कैन कम्प्लीट दियर फॉर्म बाई पेइंग एंड पाँच सौ रुपये उन्हें लेट फी पे करना होगा दो ग्यारह तक भी आप ये कर सकते हैं फिर आपका पाँच ग्यारह को इंट्रेंस टेस्ट होगा एंड आंसर की वगैरह तेईस ग्यारह को आएगी इस तरह से आपका रिजल्ट रिजल्ट जो है सत्ताईस बारह तक आ जाएगा एंड सेंटर ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट चंडीगढ़ ओनली होगा यहाँ पर नेट जे आर एफ वाले सब एग्जाम होंगे वो आपको दिखा देते हैं हम तो पाँच ग्यारह की जो टाइमिंग है वो पेपर वन पेपर टू दोनों होंगे एंड पेपर वन ऑब्जेक्टिव पेपर टू सब्जेक्टिव होगा दस एम से ग्यारह एम पेपर वन होगा साढ़े ग्यारह से आपका एक तीस तक होगा पेपर टू तो यहाँ पर किस डिपार्टमेंट कॉलेज से किस सब्जेक्ट में अप्लीकेशन है कितनी सीट है वो देख लीजिए एनशियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी से तीन सीटें हैं इकोनॉमिक्स की पाँच हैं इकोनॉमिक्स की एक सीटें मतलब कि ये कॉलेज वाइज डिवाइड है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो कैंपस है उसमें पाँच हैं एंड सी आर आर आई डी में टोटल एक सीटें हैं ठीक है थीके? फिर इकोनॉमिक की तीसरी जो ब्रांच है उसमें फ़ोर सीटें हैं गांधीनी स्टडीज़ में टू हिस्ट्री में सेवन फिलोसॉफी में थ्री और वन मतलब फोर है पॉलिटिकल साइंस में एक पॉलिटिकल साइंस में सिक्स उसके बाद साइकोलॉजी में नाइनटीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फोर सोशल वर्क में टू सोशियोलॉजी में टू सिख स्टडीज़ में टू वुमेन स्टडीज़ में वन फाइव है एंथ्रोपोलॉजी में थ्री बायोफिजिक्स ट्वेंटी बॉटनी में टेन केमेस्ट्री में टोटल आप देख सकते हैं जितनी सीटें हैं हर एक डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट हम केमेस्ट्री की नौ है लेकिन उसके बाद कॉलेजेज़ की सीटें सोलह बारह चौवन दो इस तरह से हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ में एक सीट है जियोलॉजी में टेन ह्यूमन जीनोमिक्स में आठ सीटें माइक्रोबल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में टू माइक्रोबायोलॉजी में एट फिजिक्स में टू स्टैटिस्टिक्स में टूट और सेल सल्टीसू इंजीनियरिंग में वन सिस्टम बायोलॉजी फॉर्मेटिक्स में फाइव जुलॉजी में वन थर्टी सेवन सीटें हैं लैंग्वेज की सीटें आप देख सकते हैं इंग्लिश में दो सीटें हिंदी में तीन पंजाबी में आपका ट्वेंटी सीट है संस्कृत में आठ सीट है ठीक है और कहाँ से है वो डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज आप देखते जाइएगा उसके बाद नंबर ऑफ़ स्लॉट्स आप देखेंगे फाइन आर्ट्स में तो बारह सीटें टोटल हैं फाइन आर्ट्स की इंजीनियरिंग में आपकी बहुत सारी सीटें हैं ये आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल फूड केमिकल इंडस्ट्रियल फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मतलब हर एक कॉलेज में भी सीटें इस तरह से डिवाइड हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा ठीक है प्रॉस्पेक्ट्स डाउनलोड करके सभी मतलब साइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप देख लीजिए अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस की सीटें जो है वो सिक्सटी टू टोटल हैं ठीक है एंड फिज़िकल एजुकेशन में यहाँ पर थर्टी फोर चंडीगढ़ सेंटर में एंड डिपार्टमेंट में जो है वो एट है ठीक है तो इस तरह से है यहाँ पर एलिजिलिटी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए पचपन परसेंट मार्क्स के साथ ठीक है प्रोसीजर ऑफ़ एडमिशन तो रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू भी होगा वो डिपार्टमेंट में होगा या फिर जो आपका कॉलेज की सीटें हैं उसका कॉलेज के डिपार्टमेंट में होगा तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा रिजर्वेशन आप देख सकते हैं किस तरह से है और रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इस्टेट के जो कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन में पहले प्रेफरेंस मिलेगा और हर एक फैकल्टी की एलिजिबिलिटी अलग से दी गई है उसको भी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया हम आपको सब नहीं दिखा सकते बट आपको देखना है तो आप देख सकते हैं प्रॉस्पेक्टस में दिया है एक्जेसन किसको है एंट्रेस टेस्ट है, तो वो भी यहाँ पर दिया गया जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेल एडमिट पी एच डी स्टूडेंट थ्रू एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी हाउ आर एक्जेंसन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट विल बी गिवन टू दोज हु ऑलरेडी क्लियड एनी द नेशनल टेस्ट लाइक यूजीसी सी एस आई आर का नेट जे आर एफ स्लेट गेट और एनी अदर प्रिस्टीजियस टेस्ट फॉर नेशनल लेवल इज स्कॉलरशिप या फेलोशिप कंडक्टेड एट ऑल इंडिया लेवल ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्जाम्पल जी पी ए टी जेस्ट डायरेक्ट अवार्ड इज फेलोशिप फॉर पशिंग पी एच डी एंड वर्किंग परमानेंट टीचर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एफलेक्टेड कॉलेज आर ऑलसो एक्जेंटेड फॉम द इंटरेस्ट इनको इंटरस टेस्ट नहीं देना है बट अपलाई करना है एंड ये जो है डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे ठीक है वैलिडिटी क्या होता है इस इंटरेस्ट टेस्ट की वैलिडिटी होती है थ्री ईयर तक तो जो भी वैलिड हो वो भी एक्सेप्ट होंगे स्कीम ऑफ द टेस्ट तो मीडियम इसका जो है इंग्लिश ही होगा एक्सेप्ट इन द टेस्ट फॉर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश ठीक है द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर इन ईच सब्जेक्ट एज डिटेल बिलो पेपर वन में आपका एक घंटे का ड्यूरेशन होगा पचास क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू बेस्ड होंगे इसमें मैक्सिमम मार्क फिफ्टी होगा और आपको फिफ्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे यहाँ पर देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी देयर विल बी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑन रिसर्च मैथोलॉजी इन पार्ट ए एंड ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज ऑन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इन पार्ट बी ठीक है ये पेपर वन हो गया जो आपका फर्स्ट मीटिंग होगा और सेकेंड मीटिंग में जो आपका होगा मतलब कि डेढ़ बजे तक जो होगा वो उसका जो है टू आवर्स का ड्यूरेशन है एंड इसका मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टी ही है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आठ होंगे जिसमें कि आपको पाँच ही अटैम्प्ट करने होंगे ईच क्वेश्चन विल कैरी टेन मार्क्स ठीक है अब इंपॉर्टेंट नोट में क्या है देयर बी फोर क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेट्रोलॉजी रिसर्च मेट्रोलॉजी से टोटल फोर क्वेश्चन होंगे इन पार्ट ए एंड फोर क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इन पार्ट बी इन पेपर टू आउट ऑफ दैट ऑफ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट फाइव क्वेश्चन एटलीस्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट इन पेपर टू समझ पाए आप देखिए पेपर टू में आपका दो सेक्शन होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए से फोर क्वेश्चन होगा पार्ट बी से फोर क्वेश्चन होगा ठीक है आपको टोटल कुल मिला के पाँच क्वेश्चन करने हैं लेकिन यह ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट से आपका दो दो क्वेश्चन जरूर हो ठीक है अब रिजल्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइज जो कैंडिडेट है उसमें आपको फोर्टी परसेंट लाना अनिवार्य है एंड पैंतीस परसेंट जो है एस सी एस टी पी सी पी डब्ल्यू डी के लिए एंड जो पेपर वन एंड पेपर टू है दोनों को मिला के फिफ्टी परसेंट भी होना अनिवार्य है ठीक है रिजल्ट आप पी एस डी इंट्रेंस टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन पंजाब यूनिवर्सिटी वेबसाइट अब इंटरव्यू इंटरव्यू जो है ये दो बार कंडक्ट होता है एक साल में तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फेलोशिप के बारे में कहा गया कि यूनिवर्सिटी फेलोशिप आर अवेलेबल फॉर पी एच डी इफ़ सक्सेसफुल कैंडिडेट विश टू बी कंसिडरेबल फॉर द यूनिवर्सिटी फेलोशिप दे शुड रिपोर्ट टू दियर रिस्पेक्टू डिपार्टमेंट कुछ जनरल रूल्स हैं इसको देखना जरूरी होता है जिससे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो या फिर आपको किसी प्रकार का इंटरव्यू में दिक्कत ना हो इस सब चीज़ों के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद